हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोग से तीन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप केवल मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा और आप सही से दोस्तों पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पक्षी के अंडे को उबालने में 4 घंटे का समय लगता है। मतलब दोस्तों कौन ऐसा पक्षी है जिसके अंडे को उबालने में पूरे 4 घंटा का समय लग जाता है। आप सोच सकते हो दोस्तों कि कौन ऐसा पक्षी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको शुतुरमुर्ग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसी पक्षी है दोस्तों जिसके अंडे को उबालने में पूरे 4 घंटा का समय लग जाता है। तो आइए दोस्तों कुछ शुतुरमुर्ग के बारे में जो है सो आप लोग जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, शुतुरमुर्ग पक्षी सबसे बड़ी जीवित प्रजातियां में से है, और यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देता है। मतलब जितने भी पक्षी है ना, वो सबसे मतलब सभी जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में जितने भी जीवित पक्षी है उस सभी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडा देता है। आज दुनिया भर में शुतुरमुर्ग व्यावसायिक रूप में पाले जा रहे हैं, मुख्यतः उनके पंखों के लिए, जिनका इस्तेमाल सजावट तथा झाड़ू बनाने के लिए किया जाता है। मतलब शुतुरमुर्ग की पंखों को जो है सो मतलब आपको सजावट तथा झाड़ू बनाने के लिए भी जो है सो किया जाता है दोस्तों। तो यही था शुतुरमुर्ग के कुछ बारे में। लेकिन आप याद रखिए दोस्तों, शुतुरमुर्ग आपको दिखाई देता होगा, आप इसे गौर से देखिए। इस पक्षी को, एक ऐसा पक्षी है इसके अंडे को उबालने में पूरे 4 घंटा का समय लगता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जो हर 2 महीना में बदलता रहता है। आप लोग बताइए दोस्तों कि मनुष्य के शरीर का कौन ऐसा अंग है जो 2 महीना में जो है सो क्या होता रहता है, बदलता रहता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आईब्रो। आईब्रो मनुष्य का एक ऐसा अंग है जो हमेशा 2 महीना में जो है सो क्या होता रहता है, 2 महीना पे वो क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप जो है सो जवाब दीजिएगा दोस्तों। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और इसका जवाब जो है सो आप लोग दीजिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 100 रुपया लेकर दुकान पे गया और उसने 75 रुपया का सामान लिया और वापस में दुकानदार ने उसे 5 रुपया लौटाई है, बताइए क्यों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति है जो दुकान पे गया 100 रुपया लेके, एक व्यक्ति जो दुकान गया ना दोस्तों, तो वो 100 रुपया लेके गया, तो वो जो है सो दुकान पे पूरा 75 रुपया का सामान लिया और दुकानदार उसे 5 ही रुपया जो है सो वापस किया। तो बताइए ऐसा क्यों, वो 100 रुपया लेके गया था और सामान लिया केवल 75 रुपया का, लेकिन दुकानदार उसे 5 रुपया ही लौटाया, आखिर ऐसा क्यों दोस्तों, आप बताइए दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे आदमी क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। वो व्यक्ति 100 रुपया लेके गया था, लेकिन वो 75 रुपया का जो सामान लिया वो केवल दुकानदार को 80 रुपया ही दिया, इसीलिए जो है सो वो 75 रुपया का सामान लिया था, तो इसीलिए उसको जो है सो 5 रुपया ही लौटा दिया। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और ये छोटा छोटा क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा दोस्तों, आई मीन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए वंदे मातरम दोस्तों।